राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट 2024 के तहत टोंक में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा। आयोजन में 82 एमओयू साइन किए जाएंगे जिनमें 2525 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 7000 से अधिक रोजगार मिलेगा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फोन पर मदन राठौर को धमकी दी थी। राठौर ने बताया कि आरोपी ने मुझे फोन किया और गोली मार कर धमकी दी। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर के तहत जनसुनवाई की। शिविर में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुना। बाड़मेर में मरु उड़ान अभियान के तहत जिला कलेक्टर टीना डाभी ने महिलाओं और बच्चियों के साथ किया सीधा संवाद। कहा, जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं वैसे मुझे और मेरी टीम को बता सकते हैं, हम सब आपके लिए। इस दौरान महिलाओं में बढ़कर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर पर भी चर्चा की। बारा में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट और बिजली निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया जिसमें जिले भर के सैकड़ों कर्मचारियों और अभियंताओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम ने ज्ञापन सौंपा। कोटा में अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 53,200 रुपए जब्त किए। अजमेर में पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर कला में 27 नवंबर को मकान में हुई चोरी का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने चोरी के आरोपी भांजे को गिरफ्तार किया, साथ ही करीब 9 लाख के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। बूंदी में एक महिला को डायन बताकर गर्भ सलाखों से दागने का मामला आया सामने। डायन बताकर महिला का सर तक मुंडवा दिया, गर्भ बालों से जगह जगह झुलसाया गया। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर से ज्यादा बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई ताजा अपडेट में कहा गया है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। अजमेर में लूट की वारदात का हुआ खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिन में घर घर सामान बेचकर रेकी कर रात को देता था चोरी की घटना को अंजाम।